हाँ तो गाइज मैं अपने हॉस्टल में आ गया हूँ, तो इसका नाम है पोर्ट एडिलेड बैकपैकर्स। तो अभी मैंने मतलब सामान वगैरह रख के और मतलब अभी आया हुआ हूँ। अब देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के और भी सीन क्या है, ठीक है? तो अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब बाहर जाता हूँ अभी। दोस्त से मेरे को मिलने जाना है, उसका कुछ सामान वगैरह है, मुझे वो दे के आना है। एक दोस्त है उसका, मैं कुछ सामान लेके आया था, तो मैं वो सब अभी दे के आऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ अभी आगे का सीन जो भी है, तो फिर ये मिलते हैं रहा गाइज। हॉस्टल पोर्ट एडिलेड बैकपैकर्स करके। ये सारे ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ पे अभी मतलब आए हुए हैं। कोई स्पेन से है, एक इंग्लैंड से है। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, और ये सब ट्रैवलिंग ही करते हैं फुल लाइफ, मतलब इन्होंने यही बना रखा है। हाँ तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, उसका कुछ सामान मैं इंडिया से लेके आया था उसको लौटाने। ये देखो आप अभी पोर्ट एडिलेड का सीन, और यहाँ पे अभी शाम के बज रहे हैं आपके 9 बजने वाले हैं, ठीक है? और आप रात के 9 बजे का सीन देखो, ये हो रही है रात, यहाँ 9:30 बजे अंधेरा होता है पूरा ढंग से। और अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी अभी आपको और दिखाता हूँ। शाम के टाइम ना सिटी में मतलब कुछ ज़्यादा रहता नहीं, वीकेंड्स की शाम पे आपको, वीकेंड्स की जब शाम होती है तो आपको सिटी सेंटर में काफ़ी चीज़ें मिलेगी। और हाँ तो भाई स्वागत है। तो हम पार्क में जा रहे थे रास्ते में, अब आपको एक चीज़ दिखानी थी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की तरह जो होता है ना, इंडिया में जैसे डाकियाँ आएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाओ और चिट्ठी डालो, फिर वो डाकियाँ लेगा, पहुँचाएगा बंदे के वहाँ, ऐसी यहाँ पर भी सिस्टम है। यहाँ का सिस्टम ये है कि यहाँ पर इन्होंने बना रखा है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट करके, ये देख सकते हो आप इनका, ये इसमें डालते हैं अपना लेटर जो भी डालना है, मतलब आपको जो इसमें जा सकता है इसमें आप डाल दो, और फिर ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के पिकअप वाले बंदे आते हैं, और वो जितने दिनों में पहुँचाना होता है उन्हें, मतलब जो चार्ज होता है वो लगेगा। और यहाँ पे देखो टाइम भी लिखा हुआ है, पोस्ट मंडे टू फ्राइडे बाई 12 PM, और वो आपका पहुँच जाएगा, मतलब सामान आपका जहाँ भी होगा आपको पैसा पे करना होगा, ठीक है? तो अब हम चल रहे हैं पार्क की तरफ, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरे साथ यही दो भाई है, अभी हम तीनों जा रहे हैं साथ में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक और सिस्टम है कि मतलब जो इंडिया से अलग है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग भी अगर कभी आओ तो आपको इजी पड़े। यहाँ पे क्या है कि रोड ना अगर खाली भी है तो आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। जनरली इंडिया में क्या होता है, गाड़ी भी आ रही हो तो हाथ दे दो, हाँ हाँ रुक जा, वो रुकेगा ही, उसको क्या करेगा, रोकना ही पड़ेगा। पर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। उससे पहले ये देखो रास्ते में ये बस स्टैंड पड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया के बस स्टैंड है, और कुछ नहीं रहता, एक बस छत सी डाल दी है, यहाँ भीड़ नहीं होती ना इसीलिए। और ये रहा बस स्टॉप का, ये देखो ये एक ये भी रहा, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे हाँ तो गाइस मैं बता रहा था वही, ये यहाँ का बस स्टैंड है, ठीक है? अभी मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, और हम बस स्टैंड से मतलब बस स्टैंड रास्ते में पड़ा था, तो अब जा रहे हैं। क्या हो गया? हाँ तो ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे रोड क्रॉस करने का सिस्टम है। देखो अभी हमें ना ये नहीं रोड, अभी हमें रोड के उस साइड जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप डायरेक्ट आओ और फटाफट सीधा रोड क्रॉस कर लो, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ। यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए ना मतलब एक बजर लगा होता है हर पोल्स पे, आपको बजर को प्रेस करना है, फिर वो पैदल वालों के लिए मतलब लाइट ग्रीन होगी जब आप वो कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। तो भाई ये देखो, ये है अपना लाइट, और हमें ये रही यहाँ पे लाइट बटन प्रेस, ठीक है? और अभी हमें रोड क्रॉस करना है, ऐसे बटन, इसके लिए देखो हमें ये बटन प्रेस करना पड़ता है। हाँ अभी देखो, अभी हमने इसे प्रेस कर दिया, अब देखो सामने वो रेड है पैदल वालों के लिए, अभी वो ग्रीन होगा, जैसे ही वो ग्रीन होगा तभी हम क्रॉस कर सकते हैं, उससे पहले हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है? अभी देखना, अभी इसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ तो देखो ये ग्रीन हो गई, अभी आवाज़ कर रहा है, इसमें अब हमें जल्दी से रोड क्रॉस करना होगा, ये तो गाड़ी वाले ना ये उड़ा देंगे। देखो रेड होने वाली है, देखो दोबारा, मतलब भागना ही होता है ये समझो। अब देखो ये दोबारा रेड होने वाला है, देखो रेड हो गया, ठीक है? और देखो यहाँ के ट्रक, ये देखो इसके टायर बताऊँ कितने हैं, 1, 2, 3, 6, 12, 15 टायर थे। हाँ तो ये देखो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, तो ये रहा पार्क सामने। वैसे तो ये मतलब इंडियंस ही होंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाऊँगा, ठीक है?
और फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ फोटोज भी डालेंगे वीडियो में हम, हाँ कुछ फोटोज लेकर के और मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे बस स्टॉप भी है पार्क के आगे, आज बस की स्ट्राइक चल रही है, नहीं तो हम वैसे बस से ही आते। ये देखो ये ओजी रोड करके बस स्टॉप है, ठीक है, साउथ साइड ये बस स्टॉप का नाम है और ये है बस स्टॉप 20 नंबर। अब मैं हम आगे जाते हैं, ये रहा बस का पूरा स्टॉप। और नीचे यहाँ से हिल से नीचे उतरते हैं, हाँ तो ये हिल क्रस्ट इस जगह का नाम है, हम हिल पे रहते हैं। अब हिल से देखो यहाँ स्लोप नीचे जा रही है, एडिलेड आपका थोड़ा हिली एरिया है तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। बाकी अभी ये रहा पार्क में हम एंट्री कर रहे हैं, इसका नाम ना हिल क्रस्ट, ठीक है। अब मैं पार्क के सीन दिखाऊँगा आपको आगे। हाँ तो भाई अभी एक दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, पता है थोड़ा सिस्टम अजीब है, मतलब यहाँ के लोग प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो एक लड़की थी, मतलब कोई इंडियन ही थी, पर वो गलती से, मतलब ऐसे होता नहीं, रैंडमली रोड पे आ गई वीडियो में। अब वीडियो में आ गई तो हम अपना आ रहे थे आगे, फिर वो हमें रोक के कह रही कि वो वीडियो डिलीट कर दो मेरी फ़ोटो। मैंने कहा भाई कोई वीडियो नहीं आई तुम्हारी, देख लो। कह रही नहीं नहीं डिलीट कर दो। फिर मैंने फ़ोन खोला उसके सामने, डिलीट करी, फिर भी कह रही कि नहीं नहीं पूरी ढंग से डिलीट करो। फिर मैंने ट्रैश में जाके डिलीट करा। तो यहाँ पे प्राइवेसी का अलग ही पंगा भाई, अगर कभी आओ ऑस्ट्रेलिया या हो आप लोग तो यहाँ वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सावधान रहना, यहाँ के लोग प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। और ये अगर गोरा होता कोई तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि वो तो समझ रहे हो ना, वो तो इस चीज़ को और ज़्यादा वो बना देते हैं। क्यों आर्यन भाई बताएंगे, बताओ क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस रैंडमली लेडी मिल गई थी, वो ऐसे ही तंग करते हैं ये लोग, इनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी लीक ना कर दें, इसलिए अब हम लग रहा है प्राइवेसी लीक करने वाले, यही काम है हमारे पास। अवेले थोड़ी ना हम, अवेले थोड़ी ना, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास फालतू। हाँ तो भाई ये देखो, ये है एडिलेड का हिलक्रेस्ट पार्क और बीच में अच्छा थोड़ा एलिवेशन डाउन है, फिर आगे हिल है। एडिलेड मतलब हिली एरिया है पूरा और पार्क काफ़ी सही है, पीपल्स आर इन्जॉइंग। और यहाँ पे देखो एक गोरा अपना प्रैक्टिस कर रहा है, एंड दिस इज़ द पार्क, वी आर वेटिंग फॉर आवर चांस। ओके तो अभी मैं आपको और आगे ले जाऊँगा, यहाँ कुछ झूले वगैरह भी हैं और अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा बढ़िया बढ़िया सी। ये देखो पार्क तो ठीक ठाक है, मतलब ठीक ही है, उतना भी कुछ खास नहीं है, पर बढ़िया है अपने इंडिया जैसे, ये इंडिया के जो ठीक ठाक पार्क होते हैं। और बास्केटबॉल कोर्ट है, बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, और शायद से ये मेरे हिसाब से क्या है, ये क्रिकेट का वो है, मतलब नेट्स जो होते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, वो हाँ आप देखो बैट्समैन बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आगे पूरा पार्क है, अभी मैं कैसल मोटर्स करके है वहाँ तक लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा थोड़े बच्चों के लिए। हाँ तो गाइस तो मैं पार्क से आ गया था, उसके बाद बाकी कुछ ज़्यादा करा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने मतलब कल आया था, तो कल आने के बाद फिर वही अपने दोस्त वोस्त से मिला था, वो सब जो आपको दिखाया, उसके बाद फिर मैं अगले दिन मेरे को अकोमोडेशन मिल गया था तो मैं वहीं आ गया था, तो उन्हीं सब के साथ पार्क गया था, फिर वो सब था। बाकी आगे का मैंने जो भी प्रोसेस करा, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह वो सब भी, वो मैं बाकी की वीडियोज़ में दिखाऊँगा आगे की, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तो लाइक करें वीडियो को और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।